इधर कोरोना के भीषण संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश में एक तरफ एस्मा लागू है तो वहीं चार सूत्री लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में मंगलवार को जबलपुर में जूनियर डॉक्टर्स ने समानांतर ओपीडी शुरू की, प्रदर्शन किया, ऐलान किया अगर आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। आज से मतलब अंदर ओपीडी में या रूटीन ओपीडी रूटीन ओटी जो भी हो रही है हम लोग का, हम वो नहीं करेंगे, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम अपनी ओपीडी बाहर चलाएंगे। आज जैसे आप देख रहे होंगे कि पहला ओपीडी चला रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सारे विभाग के निजी डॉक्टर्स हैं, सारे मतलब यहाँ पे अपना भरपूर ध्यान दे के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन स्टार्ट हो गई है, अब ये तब तक चलेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप करने की कोशिश नहीं करती हमारी डिमांड के बारे में। जो है स्ट्राइक पे जाएंगे? नहीं देखिए, इसके लिए मैंने अभी उनके डिपार्टमेंट से बात करी है, डिपार्टमेंट इस पर विचार कर रहा है। और इस समय देखिए ऐसा समय है, संकट का समय है, जिसमें जूडा को हड़ताल की बात तो करनी नहीं चाहिए। ठीक है, हम उनके साथ में हैं, उनकी वाजिब मांगे उनकी पूर्ति होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जब ये बहुत बड़ा संकट सरकार के सामने है, समाज के सामने है, उस समय हमारी ये मांग मनाएं।